बाद जो है क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा, जिसका कि मसूरी वासियों को बेताबी से इंतजार रहता है। खासतौर से ईसाई समुदाय को तो बहुत ही इसका इंतजार रहता है, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद भी लगभग जितने भी ईसाई परिवार यहाँ थे वो लगभग सैकड़ों की तादाद में हैं। तो हमारा ले दे के एक ही खुशी का पर्व होता है क्रिसमस, उसकी तैयारी की जा रही है। आज जो व्हाइट गिफ्ट संडे के तौर पर इसको मनाया जा रहा है, व्हाइट गिफ्ट संडे वह होता है जो हम अपनी तरफ से यीशु मसीह के चरणों में कुछ उपहार पेश करते हैं, कपड़े या जो भी हो, तो वो उसको फिर वो अनाथालय हो गए जहाँ पर लेप्रेसी लोग रहते हैं, उनमें जाकर उनको बेसहारा लोगों को वो सब गिफ्ट किया जाएगा। एक ऐसा त्यौहार है जो महीने पहले से मनाया जाने लगता है, जिसमें कैंडल लाइट, जो कैंडल डिवाइन लाइट होती है, उसको जलाया जाता है। और आज वो क्रिसमस के टाइम पर एक लास्ट रह जाती है जो कैंडल, उसको करते हैं। लेकिन घरों में जो पकवान वगैरह बन रहे हैं वो इतने हम लोग व्यस्त हो जाते हैं उन पकवानों में कि हमें अपने बारे में सोचने की कोई फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि बड़ी उत्सुकतावश ये मनाया जाता है, जिसकी एक ही खुशी होती है। हमारा तो जो कार्निवल होता है उससे कम ये नहीं है, क्योंकि ये 25 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। और घरों घरों में अगर आप जाके देखेंगे तो सब लोग नए नए कपड़े, नए नए व्यंजन बनाने में मस्त हैं जी।